हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आई होप प्रीवियस वर्क कंप्लीट कर रहे हैं। तो बच्चों, ये जो हम वीडियो डालते हैं, बहुत सारे बच्चे पूरी वीडियो नहीं देखते, कंप्लीट वीडियो को वो नहीं देखते। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है और आप लोगों को ऑर्डर है कि पूरी वीडियो देखें और उसके बाद सम करें, ठीक है। और जो ये हमारा वीडियो का काम चल रहा है, जो हमारा यूट्यूब चैनल पर काम चल रहा है, इस काम को पूरा सीरियसली लें, क्योंकि यही काम है जो आप लोग घर बैठे अपने आप कर रहे हो। आप लोग हम लोगों को धोखा देने की कोशिश भी ना करें, क्योंकि आपको खुद को पता है जो काम यहाँ करोगे वही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। जो हम करा रहे हैं उसको 100% पूरी ईमानदारी से काम करें, ठीक है बच्चों। तो हमने प्रीवियस वीडियो में बाय प्राइम फैक्टराइजेशन स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया था। हमने क्या किया था, हमारे पास कोई भी एक नंबर आया था, उसके हमने प्राइम फैक्टर्स बनाए थे, ठीक। फिर उसके बाद हमने उसको लिख लिया था, फिर वहाँ पर हमने स्क्वायर रूट का साइन लगाया था, उसके बाद हमने पेयर बनाए थे, फिर उन पेयर्स में से एक एक को बाहर निकाल दिया था, जो मल्टीप्लाई करके आंसर आया था वो हमारा स्क्वायर रूट बन गया था। तो बच्चों, ये क्वेश्चन है। फिर इसके साथ साथ मैंने आपको बताया था कि ये मेथड जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। इसमें हमारे पास आगे जाके क्वेश्चन आएंगे कि हम उस नंबर को जो हमारे पास गिवन नंबर है किसी एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई कराएं या डिवाइड कराएं कि कंप्लीट नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए। अब ये वही सम आ गया बच्चों, देखिए काम वही है, प्राइम फैक्टराइज हम इसमें करेंगे, पेयर बनाएंगे, फिर चेक करेंगे। देखें क्या है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, हर एक नंबर्स के लिए छह पार्ट है हमारे पास, मैं एक या दो पार्ट कराऊंगा आपको। फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर, सबसे छोटा होल नंबर फाइंड आउट करना है हमें। कैसा होगा वो, बाय विच इट शुड बी डिवाइडेड, जिससे हम इसको डिवाइड करें। क्या करना है, डिवाइड, यहां पर मल्टीप्लाई भी बोल सकता है, मल्टीप्लाई के लिए भी सेम है, डिवाइड के लिए भी सेम है। बाय विच इट शुड बी डिवाइडेड सो एज टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाए। इसके बाद भी हम बाद में देखेंगे, ठीक है बच्चों। पहले उस स्मॉलेस्ट होल नंबर को फाइंड आउट करते हैं। कैसे करेंगे, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको लिख लेते हैं हम, गिवन नंबर, क्या नंबर है, 252। अब इसके हम प्राइम फैक्टर बनाएंगे, ये हमारा किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 से हो जाएगा। 2 से क्यों, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट क्या है, इवन नंबर है। तो 2 वन जा, 2 टू जा एंड 2 सिक्स जा, अगेन 2 से हो जाएगा, 2 सिक्स जा एंड 2 थ्री जा। अब ये 2 से नहीं होगा तो 3 से हो जाएगा हमारा, क्यों, क्योंकि इसमें हमारे पास जो नंबर आया 63, इसके सभी डिजिट्स का सब 9 आता है और 9 हमारा 3 से डिवाइड हो जाता है, तो ये क्या आएगा, 21 आ गया। फिर हमने देखा ये 3 पे हो जाएगा, 7 आ गया। अब बच्चों, ये बना लिया हमने इसके प्राइम फैक्टर, ठीक है। अब हम इसको लिखेंगे यहाँ पे, क्या आ गया, 252 इज इक्वल टू 2 टाइम्स 2 आ गया, 2 टाइम्स 3 आ गया एंड 1 टाइम्स 7 आ गया। ये आ गया बच्चों। अब हमें क्या निकालना है, एक स्मॉलेस्ट होल नंबर निकालना है जिसको इससे डिवाइड करें कि ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना है तो इसके पेयर हमारे पास आएंगे। अब देखते हैं कौन हमारा अनपेयर्ड है, जो अनपेयर्ड है अगर मल्टीप्लाई की बात करता है उसी से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड की बात करता है उसी से डिवाइड करो, किससे, जो अनपेयर्ड है। तो यहाँ हमने देखा बच्चों क्या आया, ये हमारे पेयर बन गए, 7 हमारा अनपेयर्ड है तो किससे डिवाइड करेंगे, 7 से करेंगे। अगर मल्टीप्लाई की बात करता किससे मल्टीप्लाई करते, 7 से करते, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं हम, यहाँ लिख दिया हमने, ये रीजन लिख देंगे हम यहाँ पे, बिकॉज 7 एग्जिस्ट इन अनपेयर्ड, तो किससे डिवाइड करेंगे, देयरफॉर वी शुड डिवाइड द गिवन नंबर, इसको छोड़ते हैं, वी शुड डिवाइड 252, डायरेक्ट लिखते हैं 252 बाय 7, किससे डिवाइड कर देते हैं हम, 7 से डिवाइड कर देते हैं। तो कर दो बच्चों डिवाइड, ये किया हमने 7 से डिवाइड, यहां भी कर देंगे हम 7 से डिवाइड, इसके भी अपॉन में लिख देते हैं हम यहां पे 7, और यहां भी लिख देते हैं इसे 7 से, तो ये हमारा 7 कैंसल्ड हो जाता है। तो यहां हमारे पास क्या बचेगा बच्चों, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 7 3 जा 21, 4 42,
7, 6 जा 42, तो ये आ गया हमारे पास। अब एक बार देखें, यहाँ से पहला क्वेश्चन क्या था कि हमें वो स्मॉलेस्ट होल नंबर फाइंड आउट करना है जिससे डिवाइड करें, तो स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या आ गया, वो 7 आ गया हमारा, 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, 7 से डिवाइड कर दिया। उसके बाद क्या बोलता है, ऑल्सो फाइंड द स्क्वेयर रूट ऑफ द स्क्वेयर नंबर सो ऑब्टेन, मतलब कि वो स्मॉलेस्ट नंबर हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया, अब उस स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करके जो नंबर आएगा उसका स्क्वेयर रूट निकालना है। मतलब क्या किया, 7 आया तो 7 से डिवाइड कर दो, 7 से डिवाइड करने के बाद क्या नंबर आया, 36 आ गया। अब इस 36 को जो ये हमारे पास नंबर आया है इसका हमें क्या निकालना है, इसका हमें स्क्वेयर रूट निकालना है। स्क्वेयर रूट निकाल देंगे बच्चों, बिल्कुल सिंपल है। पहले तो हम स्क्वेयर रूट का सिंबल लगाएंगे, यहाँ पे यहाँ भी ऐसे लिखेंगे हम 2 times 2 and 2 times 3, फिर हम पेयर बनाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे। इस स्टेप पे बच्चे गलती करते हैं, वो क्या करते हैं यहाँ पे, या तो वो ये स्क्वेयर रूट का सिंबल नहीं लगाते, अगर लगाते हैं तो इसके बाद भी इसी को दोबारा नीचे लिख लेते हैं जो कि हमें नहीं लिखना है। तो बच्चों ये हमारे पास क्या आ गया, रूट 36 का स्क्वेयर रूट क्या आ गया, 6 आ गया। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है बच्चों ये, और यही आपको करना है, ठीक है। क्या था, एक नंबर दे दिया हमारे को 252, प्राइम फैक्टराइजेशन से हमने इसके फैक्टर्स बनाए, फिर चेक किया कि कौन अनपेयर्ड है, कौन है जो हमारा पेयर में नहीं रह रहा, कौन दिखाई दिया हमें, 7 दिखाई दिया, तो 7 से डिवाइड कराएंगे, डिवाइड करा देते हैं, ठीक है बच्चों। फिर जो नंबर आएगा उसका स्क्वेयर रूट निकाल दो, बिल्कुल आसान है। अब मैं आपको एक पार्ट और कराता हूँ उसका, बाकी आपको खुद करने हैं। क्या करते हैं हम इसका सेकेंड पार्ट ले लेते हैं, गिवन नंबर इज 2925, क्या कराएंगे हम इसके प्राइम फैक्टर बनाएंगे, देखो किस पे डिवाइड हो गई है हमारे पास, 5 पे हो जाएगा, ये हमारे पास किस पे डिवाइड होगा, चेक करते हैं बच्चों ये, आई थिंक हमारा 5 पे हो जाएगा, 5 पे करते हैं डिवाइड हम इसको, 5 5 जा 25, 4 आ गया 42, 5 8 जा 40 एंड 5 5 जा, अगेन 5 पे डिवाइड करते हैं, 5 1 जा 5 1 जा एंड 5 7 जा, अब ये आ गया बच्चों हमारे पास। अब इसको हम किस पे डिवाइड करें, ये किसकी टेबल पे आता है, ये हमारे पास 3 की टेबल पे आ जाएगा, 3 3 जा 9 एंड 3 9 जा 27, अगेन 3 पे डिवाइड हो जाएगा, क्या बच गया हमारे पास, 13 आ गया। अब ये 13 तो हमारा डिवाइड हो ही जाता है। अब यहाँ से हमारे पास फैक्टर्स आ गए इसके, क्या फैक्टर आ गए, 2925 के फैक्टर्स बनाए हमने, क्या आया हमारे पास, 2 टाइम्स 5 आ गया, 2 टाइम्स 3 आ गया एंड 1 टाइम्स 13 आ गया। तो यहाँ से हमने देख लिया कि अनपेयर्ड कौन है, 13 है, किससे डिवाइड कराएंगे, 13 से कराएंगे, करा देते हैं बच्चों। सिंस 13 एग्जिस्ट इन अनपेयर्ड, सो स्मॉलेस्ट होल नंबर, क्योंकि होल नंबर पूछा है, स्मॉलेस्ट होल नंबर is 13, by which we should divide, किसको डिवाइड करना है, जो नंबर दे रखा था, क्या नंबर है वो, 2925, इसको डिवाइड करेंगे टू गेट ए परफेक्ट स्क्वेयर। डिवाइड करने के बाद परफेक्ट स्क्वेयर चाहिए, अब आता है हमारे पास, देखें यहां लिखते हैं हम इसको 2925 डिवाइडेड बाय 13, ऐसे ही यहां आ जाता है 5 5 एंड 3 3 into 13, अपॉन में क्या आएगा, 13 आएगा, इस 13 से ये 13 कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास यहां क्या आ जाता है, यहां हमारे पास ये आ गया
और यहाँ हम इसको डिवाइड कराएंगे तो हमारे पास आएगा ये 225। अब इसको डिवाइड करके देख लेना क्यों वो क्या आएगा, इन सभी की मल्टीप्लाई करना वही आएगा, 5 जा 25, 25 9 जा 225, यही आएगा हमारे पास। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है बच्चों, तो स्क्वायर रूट के लिए आप सभी को पता ही है क्या कि हम करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर रूट का सिंबल लगाते हैं, फिर पेयर बनाएंगे हम यहाँ पे, ये हमारे पास बाहर आ जाएगा ये। अब जब हम पेयर में से एक सिंगल नंबर को बाहर निकालते हैं तब बच्चों इसके सर पे स्क्वायर रूट का जो साइन है वो नहीं लगाते हैं हम, ठीक है, ये आंसर आ जाता है हमारे पास यहाँ पे। हम तब जब पेयर में से एक सिंगल नंबर को बाहर निकालते हैं तब स्क्वायर रूट का सिंबल नहीं लगाते हैं, ये ध्यान रखना। तो बच्चों ये दो सम है हमारे पास, इसके चार पार्ट बचते हैं, आपको खुद कर लेने हैं, ठीक है।